बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मेहराना आ रही हूँ, आप सबका स्वागत करती हूँ एस्ट्रो तक पे। आप हमारी वीडियोस को एस्ट्रो तक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। आप हमारी वीडियोस एस्ट्रो तक के फेसबुक पेज पे जाके एस्ट्रो तक की ऐप को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे सुनिधि मेहरा के नाम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे। आज बात करने जा रहे हैं हम शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र जो है अब मकर राशि से कुंभ राशि में जा रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी देव गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। ये जो राशि परिवर्तन 31 मार्च को होगा सुबह 8:54 AM पे। अब शुक्र ग्रह को सुख, वैवाहिक सुख, प्रसिद्धि, कला, सौंदर्य और प्रतिभा का कारक माना जाता है, इनका प्रतीक माना जाता है। अब जो राशि परिवर्तन है इसका इम्पैक्ट शुक्र के राशि परिवर्तन का सब राशियों पर पड़ता है। शुरू करते हैं मेष राशि वालों से। मेष राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है? मेष राशि वालों, आपकी जो इनकम के रिसोर्सेज खुलते हुए दिख रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट की हुई आपके लिए लाभदायक रहेगी और सुख समृद्धि आपके साथ इस समय जुड़ते हुए दिख रही है, तो अच्छा समय आपके लिए रहेगा। अगर आप खासकर किसी ब्यूटी लाइन में हैं तो आपके लिए तब भी काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप खासकर किसी होटल लाइन में हैं तो आपकी ग्रोथ का टाइम दिख रहा है। अब देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों, आपके लिए भी जो इन्वेस्टमेंट अगर आपने कहीं की है, पैसे लगाए हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट देते हुए दिख रहे हैं। लव लाइफ आपकी अच्छी दिख रही है। जॉब में आपको अप्रेजल मिलता हुआ दिख रहा है, प्रमोशन जो है जॉब में आपकी आते हुए दिख रही है। आपको जॉब में जो भी आप काम करते हैं, आपके आसपास के लोग आपके काम की सराहना करेंगे। अब देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, आपको भी अच्छी खबर मिलती हुई दिख रही है, अपनों संग अच्छा समय बिताते हुए दिख रहे हैं, पैसों की समस्या आपकी हल होते हुए दिख रही है, क्योंकि पहले से जो पैसे रुके हुए थे वो आपके आपके पास वापस आते हुए दिख रहे हैं। हेल्थ वाइज भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है अपनी पेट की समस्याओं का। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, आपको अगर कहीं कोई नया काम आप शुरू करना चाहते थे तो बिल्कुल अनुकूल समय है। आपके सामने कोई ऐसा प्रपोजल भी आएगा जिससे कि आप नया काम कर पाएंगे, तो कोई नया काम आप करते हुए दिख रहे, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। व्यापार में भी पैसों की ग्रोथ होती हुई दिख रही है। हेल्थ वाइज कर्क राशि वालों, आपके लिए समय ठीक रहेगा, तो कुल मिला के आपके लिए राशि परिवर्तन ठीक ठाक रहेगा। सिंह राशि वालों, आपके लिए राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है शुक्र का। आपका जो आप काम कर रहे हैं उसमें अच्छा रहेगा, बट प्रॉब्लम है इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का टाइम रह सकता है। अपनों की बातें आपको ज़्यादा पिंच हो सकती हैं, आपके पैसे भी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो सकते हैं, तो खर्चों को आपको थोड़ा सा कंट्रोल लगना करना है। घर में, परिवार में थोड़ा सा माहौल डिस्टर्बिंग हो सकता है, इमोशनली आपको अपने आप पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो इमोशनली परेशानी रह सकती है, बट काम वाइज आपका ये समय ठीक दिख रहा है। तुला राशि वालों, आपके लिए, सॉरी कन्या राशि वालों, आपके लिए कैसा रहने वाला है राशि परिवर्तन। कन्या राशि वालों, आपका जो काम है वो बनते हुए दिख रहे हैं, थोड़ी सी अड़चने प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके काम में, बट वो प्रॉब्लम्स जो हैं दृढ़ निश्चय से आप पूरा कर लेंगे। तो कोई भी काम दृढ़ निश्चय से कीजिए, अगर थोड़ी उसमें इनिशियल ऑब्स्टेकल्स आए, मुश्किलें आए, तो आप पीछे मत हटिएगा, क्योंकि आप काम पूरा कर लेंगे। हेल्थ वाइज कन्या राशि वालों, ये समय आपका ठीक जा रहा है। रिश्ते जो हैं, लव लाइफ जो है, लव लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी और आपकी शादी होती हुई दिख रही है इस समय। तो जो लवर्स थे, बहुत देर से वेट कर रहे थे, उनके लिए समय अच्छा है पेरेंट्स को कन्विंस करने का शादी के लिए। तो कन्या राशि वालों, शादी के लिए, शादी की न्यूज़ बातचीत पक्की होते हुए भी आपकी दिख रही है। तुला राशि वालों, आपके लिए कैसा रहेगा ये राशि परिवर्तन। आपके लिए फाइनेंशियली, बिजनेस वाइज काफ़ी बेनिफिशियल दिख रहा है, काम काज आपका आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, मैरिड लाइफ भी आपकी अच्छी दिख रही है इस समय, और कुल मिला के हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप इस समय अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, तो आपके लिए राशि परिवर्तन अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए देखते हैं आपके लिए राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए कोई नया काम करने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। बहुत देर से कोई नया काम करना चाह रहे थे या पुराने काम में कुछ चेंजेस लाना चाह रहे थे, तो समय अनुकूल है। जितनी मेहनत करेंगे उतनी आपको सफलता भी मिलेगी। परिवार में आपको जो थोड़ी अनबन हो सकती है, तो खुद एफर्ट लगा के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ईगो आपको और गुस्से पे इस समय थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। धनु राशि वालों, आपका देखते हैं ये राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है।
धनु राशि वालों, आपके लिए भी काफी अच्छा समय रहेगा। बिजनेस में सेटलमेंट होती हुई दिख रही है, आप लोग आपके साथ और जुड़ेंगे, आपको मुनाफा होता हुआ दिख रहा है। जॉब में भी आपको तरक्की मिलती हुई दिख रही है, जो भी काम करेंगे अच्छे से करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन अच्छी रहेगी, हेल्थ भी आपकी अच्छी दिख रही है। तो कुल मिला के धनु राशि वालों, आपके लिए ये जो राशि परिवर्तन है काफी अच्छी चीजें लेके आएगा। अब देखते हैं मकर राशि वालों के लिए राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, आपको इस समय थोड़ा धार्मिक स्थलों पे आप जाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स ज्यादा आपका बेंड हो जाए, या किसी धार्मिक स्थल पे जाएं या मंदिर में ज्यादा आप समय बिताएं। तो हो सकता है मकर राशि वालों, आपका जो बेंड है वो आपका थोड़ा स्पिरिचुअलिटी पे, रिलीजियस चीजों में ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। फैमिली के साथ आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, कुछ छोटी मोटी आपकी आसपास ट्रैवल होते हुए दिख रहा है, और ट्रैवल भी जो अच्छा रहेगा, फैमिली संग आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, बड़े आपके सपोर्ट देंगे। बट पैसों वाइज थोड़ी सी तंगी का समय है, ज्यादा खर्च ना करें, नहीं तो थोड़ा पैसों में तंगी आ सकती है। अब देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन जो है कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, आपके लिए ये शुक्र का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। आपके लिए पैसों में आपकी ग्रोथ होती हुई दिख रही है, इमोशनल थोड़ी डिस्टर्बेंस दिख रही है, बट मनी वाइज, जॉब वाइज आपके लिए अच्छा है। व्यापार में भी सुख समृद्धि आती हुई दिख रही है, बट प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं लोगों की बातें आपको जल्दी हर्ट हो सकती हैं, आपको थोड़ा अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप बनाने में दिक्कत आ सकती है, तो थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। हेल्थ वाइज थोड़ी सी दिक्कत, टांगों की समस्या आपको जुड़ सकती है। अब देखते हैं मीन राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, आपको मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहेगा, बट करियर वाइज आपका अच्छा समय दिख रहा है। पार्टनरशिप, कई इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप आपकी हो सकती है, पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप आपका अच्छा रहेगा। लवर्स वाइज भी रिलेशनशिप अच्छा है, बट मैरिड कपल में थोड़ी सी अनबन का समय इस समय दिख सकता है, और थोड़ा आपको ध्यान देने का, अपना अपनी मेंटल हेल्थ पे आपको ध्यान देने की इस समय जरूरत है। मानसिक अपनी मेंटल हेल्थ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि लोगों की बातें आपको बेवजह समय बड़ी बुरी लग सकती है। अपने गुस्से पे भी आपको अपनी वाणी पे भी थोड़ा कंट्रोल करने की समय जरूरत है। आप अगर हो सके तो मंगलवार के दिन कोई सफेद कपड़ा पहनिए, तो आपके लिए समस्या हल हो जाएगी। ये था शुक्र का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा मेष से मीन राशि वालों के लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।